हेलो माय डियर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू रानीज किचन। हेलो छुटकी सिम्मी, कैप्सिकम, शिमला मिर्च। आप मुझसे कुछ कह रही थी जब मैं आपको लेके आ रही थी। बताइए बताइए, आप कह रही थी कि हम आलू खा खा के ना बोर हो चुके हैं। क्या आप कुछ हमारे साथ क्रिएटिव कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, चलिए कुछ करके दिखाते हैं। आलू को भगाते हैं, कुछ नया बनाते हैं। आप सबका साथ देने आ रहे हैं जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, ऑनियन, टोमेटो, दही, पनीर, काफल के फ्रोजन स्वीट कॉर्न, ग्रीन चिली सॉस, डार्क सॉस एंड रेड चिली सॉस एंड सफल के फ्रोजन मिक्स वेजिटेबल्स। तो चलिए पहले सबका मेकअप कर लेते हैं। वेजिटेबल्स तो रेडी हैं, स्वीट कॉर्न भी रेडी है, सॉसेस तो बस रेडी रहती ही हैं एनी टाइम, है ना। जो भी हमें कट करने का है उसे हम बारीक बारीक ग्रेट कर लेते हैं। थोड़ी तैयारी ना आप सबकी भी करनी पड़ेगी। सबसे पहले ना फ्रेंड्स, आप एक काम कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स बाद में कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ना चैनल आपका अपना हो जाता है, उसे देखने में बड़ा मजा आता है। तो चलिए बातों बातों में आपको बता देते हैं, रानीज किचन में आज बनने जा रही है मिक्स वेज स्टफ्ड कैप्सिकम। हाँ जी, तो मिलते हैं इन सब के मेकअप के बाद। सबसे पहले ना एक बाउल पे सारे वेजिटेबल्स को निकाल लिया, इस पे ऐड कर देंगे स्वीट कॉर्न, एंड वाटर, ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ सके। चलिए अब नॉर्मल हो जाइए, ठीक है जी। बड़े ध्यान से ना इसे आपको ऊपर की इसका ये कैप कट करके इसे हॉलो करना है। ये करना तो आपके लिए इजी है क्योंकि आपने कई बार इसे बनाया होगा। इसका भी पेट खाली, पेट तो खाली कर दिया मैम, अब लगी है भूख। लो कर लो बात। आप सब ना वेट करो प्लीज, आपके ही पेट भरने का मैंने सारा सामान अभी तैयार करना है। ओके, तैयारियां हो चुकी हैं। टमाटर को ग्रेट कर लिया, ऑनियन को भी ग्रेट कर दिया, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली ग्रेटेड एंड पनीर को छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। स्पाइसेस तो इस पे डालेंगे ही, आप उनसे बनते वक्त मिलिएगा, ठीक है जी। तो चलिए इन सबको फ्राई करते हैं। कैप्सिकम आर हंग्री, ओके। ऑयल गरम करके ना हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। शिमला मिर्च को भी तो पता चले कितना टेस्टी बनाती हैं। इसे बाउल पे निकाल देंगे। अब इस पे जाएगा राई, जीरा, जिंजर, गार्लिक, चिली। अब इस पे हाफ ऐड करेंगे। बिल्कुल भी ज्यादा मसाले ऐड नहीं होंगे, ओरिजिनल टेस्ट आएगा मिक्स वेजिटेबल एंड कैप्सिकम का। हाफ ऑनियन सॉटे कीजिए ब्राउन होते तक। हाफ हाफ चीजें यूज कर रही हूँ, बाकी बची हाफ का भी आपको बता दिया जाएगा। हमारे बिना तो कुछ क्रिएटिव हो ही नहीं सकता। प्याज हो गए ब्राउन, इस पे ऐड करेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च,
नमक, मिक्स कर दें। इस पे भी ऐड होंगे हाफ टमाटर, थोड़ा सा जलम, 1 टेबलस्पून रेड चिली, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली, 1 टेबलस्पून ब्लैक सॉस। मिक्स इट वेल। जब टमाटर पक जाए अब इस पे जाएंगे वेजिटेबल्स। इसे मिक्स कर दें। अब इस पे पानी ऐड नहीं करना है, 5 to 10 मिनट्स पे ये अच्छी तरह रोस्ट हो जाएगी। इसे देखकर लग रहा है ना कि शिमला मिर्च का पेट इसे खाकर तो भर जाएगा। 10 मिनट्स बाद ना इसे आप एक मैशर से मैश कर लीजिए ताकि स्टफिंग आसान हो सके। और सारे पक भी चुके हैं, देख सकते हैं आप इजीली मैश हो रहे हैं। फिर इस पर पनीर ऐड कर दें। इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी स्टफिंग करेंगे। बड़े आराम से बैठ के ना एक एक करके सारी कैप्सिकम की स्टफिंग कर दी थी। और थोड़ा प्रेस किया जा सकता है इसे, जितना इसका पेट भर जाए, है ना, बाहर भी गिर रहे हैं सारे। ये देखिए, और इसे प्रेस कर दीजिए। हो गए हैप्पी आप लोग? चलिए अब इसे करते हैं रोस्ट। इस तरह की एक नेट पे आपको इसे रोस्ट करना है। टर्न करते जाइए और रोस्ट करते जाइए। इसका जो टेस्ट आएगा ना वो तो फिर बना के खाने पर ही पता चलेगा। स्मेल्स सो गुड, सो गुड। फ्लेम कभी मीडियम कभी लो, ज्यादा इसे पकाना भी नहीं है और इसे जलाना भी नहीं है। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट। रोस्टेड चीजें वैसे भी बहुत टेस्टी हो जाती हैं। अपने चैनल पे मैंने रोस्टेड टमाटो चटनी का वीडियो शेयर किया है, बहुत ही लाजवाब बना था वो भी। मजा आ रहा है कैप्सिकम जी क्रिएटिविटी देख के? बस करें कि और करें? थोड़ा और, थोड़ा और। ओके, एक एक करके सभी को रोस्ट कर लिया। अब जिससे रहा नहीं जा रहा वो इसे ऐसे भी खा सकता है, पराठा बनाइए और खा जाइए। पर नहीं, अभी थोड़ी देर और। फिर से पैन गरम करेंगे, उस पे ऐड करेंगे बटर। मेल्ट हो जाने दें। बचे हुए जिंजर गार्लिक चिली चॉप्ड पीसेस। जो सामान आधा आधा हमने बाकी किया था वह अब यूज होगा, इसकी बनेगी ग्रेवी। नाउ ऑनियन। दही को हमने अच्छी तरह मिक्स करके इस पे ऐड किया है 1 टीस्पून शिमला मिर्च एंड 1 टीस्पून ऑरिगेनो। थोड़े प्याज ब्राउन हुए, देन टोमेटो, थोड़ी सी हल्दी एंड नमक एज पर टेस्ट। टमाटर पकाने के लिए थोड़ा सा पानी। अब बारी है दही की। वन टीस्पून अमचूर पाउडर,
एक मिनट में ग्रेवी रेडी। अब इस पे ऐड करेंगे शिमला मिर्च। स्पून की हेल्प से आप इसे ग्रेवी से नहला दीजिए। थोड़ी देर में इस पे मिक्स हो जाएंगी। आप चाहे तो आप इसे नान के साथ खाइए, चाहे रुमाली रोटी के साथ खाइए। सारे वीडियोस रानीज किचन पे अवेलेबल हैं, जाके एक बार चेक तो करिए प्लीज़। तो लीजिए फ्रेंड्स, रानीज किचन की मिक्स वेज कैप्सिकम डन। कैप्सिकम्स तो बड़ी हैप्पी होंगी। पहले इनका पेट खाली किया गया, फिर मिक्स वेजिटेबल से इनका पेट भरा गया, फिर इन्हें खट्टी खट्टी दही में मिक्स कर दिया गया। छुटकी मैम, आप भी आ जाइए। दैट्स इट। और ग्रेवी इस पे ऐड कर दीजिए। अब आपको तो पता ही है, अब चांस है हमारी शो स्टॉपर का। इस बार वो अपने साथ अपने एक फ्रेंड को भी लाई हैं, वो है ग्रेटेड पनीर। इतना देर मेरा साथ देने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।